मैं बोल रहा हूँ छाप दीजिए, भगवान जानता है मैं इतनी दुआ दूंगा, मगर आप लोग सिर्फ मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं छापेंगे। आप कई आज कह सकते हैं कि सिस्टम की सांस से उखड़ गई है। भगवान राम ने तो 14 वर्षों का वनवास लिया था, आपको 14 वर्ष नहीं लेना, आप बस 14 दिन का भी वनवास ले लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। ये नरेंद्र मोदी की चतुराई है कि उन्होंने ऐसा वक्त चुना लॉकडाउन के लिए जिसमें लोगों को कम से कम परेशानी हो। वो मीडिया जो भारत के वजीर आजम की चमचागिरी गुलामी करते करते थकते नहीं है, अरे अब तो उठो। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। हर हफ्ते की तरह बातें इस हफ्ते भी मीडिया की ही करते हैं। देश में कोरोना से स्थिति बिगड़ती जा रही है, लोगों की परेशानियां साफ देखने को मिल रही हैं। मीडिया ने सरकार से सवाल करना तो कब का बंद कर दिया था। ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी और बेड्स की कमी है देश में, इस पर मीडिया मोदी जी से सवाल तो नहीं कर सकता, तो फिर क्या करे मीडिया। आप सुधीर चौधरी की ये वीडियो ही देखिए जिसमें वह अपनी प्राइम टाइम में 7वीं क्लास की किताब से पढ़कर ऑक्सीजन को लेकर कुछ जानकारी दे रही हैं। इस चैप्टर में लिखा है बच्चों से, 7वीं क्लास के बच्चों की ये किताब है। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए, आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए, कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सके। हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि मीडिया सरकार के नेताओं से सवाल कर रहा है, पर क्या मोदी सरकार की कमी निकाल पा रहा है? नहीं, मीडिया सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, ना कि सिस्टम को चलाने वाले पर। ऐसे सिस्टम छीन रहा है लोगों की सांसें, हो चुका है हत्यारा हमारा सिस्टम और पूरा सिस्टम चरमरा गया। वाकई आज कह सकते हैं कि सिस्टम की सांसें उखड़ गई हैं। आप एक एक कर ट्विटर हैंडल पर नजर डालें, आज तक पर सिस्टम के सामने दम तोड़ती सांसें, ऐसे सिस्टम के खिलाफ हमारी दस्तक। एबीपी न्यूज का ट्वीट देखिए, सिस्टम कैसे छीन रहा है लोगों की सांसें। न्यूज 18 अमीश देवगन का ट्वीट देखिए, कोरोना काल सिस्टम बेहाल, देश में लोग मर रहे हैं और मीडिया सिस्टम पर दोष लगा रहा है ना कि सरकार पर। लोगों की परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर कोई गोदी मीडिया के चैनलों से उनके सामने आ भी जाता है तो लोग पत्रकार पर भड़क उठते हैं। आप ललन टॉप का ये वीडियो देखिए जिसमें एक पत्रकार जनता से सवाल कर रही है। चेहरा खोल के दिखा रहे हैं, कैसे लिखेंगे मगर आप कोरोना के मारे नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, कोरोना नहीं, वैसे भी नहीं, हमको तो प्रशासन आवे उसको हम खोल, हम इसको पहन के ऐसे खड़े हो जाएंगे, लगे कोरोना कितना लगता है मगर उस। अरे यार बेटा, फिर भाई साहब आप फालतू बात बोल रहे हो, सामने ना बोलो। अरे ये पेपर में छापे, वो छपे का न्यूज में कुछ नहीं होगा, आप लोग करेंगे ही नहीं। आप मेरी इतनी गालियां, जितनी मैं बोल रहा हूँ छाप दीजिए, भगवान जानता है मैं इतनी दुआ दूंगा, मगर आप लोग सिर्फ मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं छापेंगे, सिर्फ खाम खाली है ड्रामा। मातम मसला है, मातम खुल के बोल रहे हैं, ड्रामा करते हैं आप लोग। पत्रकार भी बिका हुआ है, चाहे अमर उजाला चाहे कोई भी ले लो, सिर्फ योगी और मोदी और कोरोना में इतने आंकड़े, और किसी का आप दिखाई। हम कहते मेरी आज कल मैं पेपर पढ़ूंगा, आज अपना एड्रेस दे दो। हमारा मीडिया भले ही सरकार पर दोष ना डाले, पर विदेशी मीडिया में मोदी सरकार पर उंगली उठाई जा रही है। विदेशी मीडिया भारत में कोरोना के हालात पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। And we've seen, well, 6 people die in front of us outside here whilst they've been waiting to get treatment. It also happens to be election season in India in some key states. And people are asking themselves, why take the precautions seriously when the Prime Minister has held rallies attracting huge crowds of unmasked people? No preparation, no stockpiling. It's no secret that India's hospitals have been struggling and you know, certainly buckle under the pressure, everyday pressure, let alone a pandemic like this. एक विदेशी पत्रकार ने बीजेपी नेता का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैली करने को लेकर तीखे सवाल किए और सरकार पर दोष भी लगाए। And you can stop those at any point. You can stop
your electioneering at any point. That whilst countries like the UK and the US and many around the world have been scrabbling to help India in a time of crisis, your Prime Minister Modi was at a political rally. His Home Minister Amit Shah was alongside him on the streets at a political rally. Why weren't they focusing on the crisis and people dying at home? There are five state elections which were going on. The four states election were completed by 6th of April. By 6th of April, the number of cases was there only 13,000 per day. And when people pointed out what was going wrong, when, for example, Molloy Ghatak wrote, an MP wrote on Twitter, India will never forgive the PM for underplaying the corona situation in the country and letting so many people die due to mismanagement, you shut down social media tweets like that. एक तरफ विदेशी मीडिया है जो कोरोना से हो रही परेशानी का दोष सरकार पर लगा रहा है और दूसरी तरफ हमारा मीडिया सिस्टम में कमी निकाल रहा है। आप कुछ पुराने क्लिप्स देखिए जिसमें जब मोदी जी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी तो मीडिया किस तरह तारीफ कर रहा था। आज प्रधानमंत्री के संबोधन की 10 बड़ी बातें आपको सबसे पहले हम बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री एक बहुत ही सख्त नेता की तरह बात कर रहे थे, क्योंकि बात सख्ती की थी और एक मजबूत नेता ही इतना बड़ा फैसला ले सकता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, जो लॉकडाउन हुआ है ना, इसकी टाइमिंग देखिए, इसकी तारीखों पर जरा ध्यान दीजिए। 21 दिन लॉकआउट होगा, इन 21 दिन में 3 संडे हैं, रविवार और 3 शनिवार, यानी 6 छुट्टियों के दिन। इसके अलावा आज 25 तारीख गुड़ी पड़वा की छुट्टी होती, 2 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी होती, 6 मार्च को महावीर जयंती, 10 मार्च को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, यानी 5 छुट्टियां। यानी लॉकडाउन के कुल 21 दिन में से 11 दिन तो छुट्टी के हैं। ये नरेंद्र मोदी की चतुराई है कि उन्होंने ऐसा वक्त चुना लॉकडाउन के लिए जिसमें लोगों को कम से कम परेशानी हो, कम से कम काम के दिनों का नुकसान हो। और अभी भी मीडिया सरकार से सवाल तो नहीं कर रहा, पर देखिए कोरोना से लड़ने की हिम्मत दे रहा है। अगर आपका आत्मविश्वास डोल रहा है, अगर आपके मन में आज भय है, तो आज आपको ये बात जरूर सुननी चाहिए। श्री राम ने अपने जीवन में 14 वर्ष का वनवास काटा था, लेकिन क्या आपको पता है कि जब उनके पिता राजा दशरथ ने उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेजा, तो श्री राम उनके फैसले से एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए, उन्होंने एक पल के लिए भी विरोध नहीं किया। ये त्याग उन्होंने मर्यादा और कर्तव्य के लिए किया, और आज पूरे देश को इसी त्याग की जरूरत है, आपको भी इसी त्याग की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज भी अब हमारे देश में वनवास जैसी स्थिति है। आपको भी कुछ दिनों का वनवास लेना होगा। भगवान राम ने तो 14 वर्षों का वनवास लिया था, आपको 14 वर्ष नहीं लेना। आप बस 14 दिन का भी वनवास ले लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए थोड़े दिन के लिए आप सब चीजों का त्याग कीजिए। आज के हालात को देखते हुए मीडिया पर सवाल ओवैसी ने भी उठाए। उन्होंने अपने भाषण में मीडिया को सच दिखाने को कहा और फटकार भी लगाई। मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे, वो मीडिया जो भारत के वजीर आजम की चमचागिरी गुलामी करते करते थकते नहीं है, अरे अब तो उठो। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आपके घरों में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सहाफी मर रहे हैं? सच्चाई दिखाओ खुदा के लिए, वरना याद रखो ये कोविड तुम्हारे को ही पहुंचेगा। जब तुमको पहुंचेगा तुमको अंदाजा होगा कि तकलीफ क्या होती है। ये गुलामी और बायसनेस छोड़ो, आप दिखाओ उन गरीबों की तकलीफ को, खुलकर दिखाओ। आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, तनकीद करो, कौन रोकता है तनकीद करने आपको, मगर कुछ भी नहीं। एक साल पहले तबलीगी जमात ऐसा बना दिए थे, अब कहां गया आपका वो तमाम जोश और जज्बा, वलवला कुछ नहीं। अब तो टाइम्स नाउ में काम करने वाले कुछ पत्रकारों ने भी कोरोना के चलते सरकार की नाकामियों को छुपाने को लेकर टाइम्स नाउ को ही खरी खोटी सुनाई है। पंजाब टुडे के आर्टिकल में एक पूरी चिट्ठी प्रकाशित है जिसमें पत्रकारों ने टाइम्स नाउ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, हम थके हुए हैं, निराश, परेशान, क्रोधित और मोह भंग को देख रहे हैं जो हमारे आसपास मौजूद है, और हमने कभी भी इतना असहाय महसूस नहीं किया है। पत्रकारों के रूप में हमें एक बात सिखाई गई थी, हमेशा लोगों की तरफ रहो, हमेशा मानवता के पक्ष में रहें। लेकिन टाइम्स नाउ इन दिनों
पत्रकारिता के नाम पर जो कुछ कर रहा है वह एक ऐसी सरकार की छवि सुधारना है जो हर काम में नाकाम रही है और इस देश के लोगों को नीचा दिखाती रही है। नरेंद्र मोदी का नाम लेने और उनके आलोचना करने की भी हमें हिम्मत नहीं है। हम अन्य विपक्षी दलों के दृश्य दिखाते हुए अमित शाह की तस्वीर भी नहीं जोड़ सकते, जो चुनाव में बड़ी रैलियों का आयोजन करके कोविड के दिशा निर्देशों की उल्लंघना खुलेआम कर रहे हैं, और हम इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। उत्तर प्रदेश के लोगों की आप परेशानी देखिए, लोग ऑक्सीजन की कमी से कितने परेशान हैं और सरकार को बुरा भला बोल रहे हैं। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आके दिखाओ। अभी हिम्मत हो, यहाँ तुम अपना मुंह लेके आओ। लोग परेशान हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन बेड दवाइयों की कोई कमी नहीं है। क्या मीडिया का फर्ज नहीं था कि मुख्यमंत्री के सामने सच दिखाएं कि आप जो कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है तो लोग मर क्यों रहे हैं? इस समय भी मीडिया सरकार से सवाल नहीं करे तो कब करेगा? देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3.5 लाख से पार हो गया है। आप जाते जाते मोदी जी की ये क्लिप देख लीजिए कि वह जब सीएम थे तब यूपीए सरकार को कैसे फटकार लगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। संकट आते हैं लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125,000,000,000 का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो उसी में वो डूबे हुए हैं। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।